subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूकंप नामक चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, चाहे रिएक्टर स्केल से आ जाता है, सिस्मोलॉजी से आ जाता है, सिस्मोग्राफ से आ जाता है, या पूछ लेता है कि सबसे ख़तरनाक तरंग जो है कौन सी होती है भूकंप में। देखिए, भूकंप को हम अर्थक्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थक्विक, यानी अर्थ माने पृथ्वी का और क्विक माने हिलना। पृथ्वी के भीतर की हलचल का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं, जिस विज्ञान की शाखा में हम करते हैं, उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए, भू माने भूमि या पृथ्वी और कंप माने कांपना या कंपन करना या वाइब्रेशन। जब पृथ्वी में वाइब्रेशन होता है, जब पृथ्वी कांपती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन हम भूकंप में या भूकंप विज्ञान में करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रस्ट जो होता है लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक होता है, और उस क्रस्ट के भीतर ढेर सारी प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। और इसी थ्योरी के अंतर्गत ढेर सारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब, जैसे मान लीजिए ये दोनों प्लेट है, अगर इन प्लेटों में गति ऊपर और नीचे हो रही है तो इसे हम रूपांतरण गति या रूपांतरित गति कहते हैं। और इस रूपांतरित गति के कारण ही आता है क्या? भूकंप आता है। क्या आता है दोस्तों? भूकंप आता है। यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया। अगर ऊपर नीचे प्लेट जो है आपस में होंगे, तो जब एक क्रस्ट में आके टकराते हैं तो क्रस्ट पूरी हिल जाती है। और क्रस्ट में अगर मान लीजिए ये टकराया, उसके बाद ये नीचे है, ये नीचे आया तो ये जाके टकरा गया, और बहुत देर तक अगर ऐसा होता रहता है तो क्रस्ट फटना शुरू कर देता है। अर्थात भूकंप के कारण जो है, जो क्रस्ट होता है वो फट जाता है। ठीक, इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक इसी प्लेटों में एक गति जो होती है जिसे हम कहते हैं अपसारी। देखिए, अपसारी में प्रकाश की किरणें दूर दूर होती हैं, तो इसका मतलब ये प्लेट इधर जाएगी और ये प्लेट इधर जाएगी। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, तो यहाँ बीच में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और दाब भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इधर दूर जाने की वजह से, अर्थात अपसारी गति की वजह से यहाँ पे हो जाता है अचानक ज्वालामुखी विस्फोट। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वह अचानक ही कहीं पे छोटा सा छिद्र पाया तो उसी में से अचानक निकल जाता है। जो भी इसके अंदर मैग्मा होता है बाहर लावा बनकर निकलने लगता है, तो इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और प्लेटों के अपसारी गति के कारण जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसके अलावा एक गति होती है जो इस तरीके से मान लीजिए है, और एक इसी के ऊपर आके क्या हो जाए? चढ़ जाए। यानी यह गति जो होगी प्लेटों की, ये पास में होगी, जैसे होता है अभिसारी गति। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं अभिसारी गति। जब अभिसारी गति होती है तो ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और टकराने के बाद बहुत ही विशाल पर्वत का निर्माण करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ है, तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है इसी अभिसारी गति से हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पर्वतों का निर्माण अभिसारी गति से होता है। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है भूकंप। तो हमने आपको बताया कि भूमि का कांपना ही भूकंप कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है। पृथ्वी कई टुकड़ों में विभाजित होती है, इन टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। इनकी ज्ञात संख्या, इन प्लेटों की ज्ञात संख्या कुल 6 है, यानी कुल 6 बहुत ही विशाल विशाल जो है प्लेट है। इसके अलावा 50 छोटे छोटे भी हैं, लेकिन 6 बहुत विशाल प्लेट हैं पूरे पृथ्वी। ये प्लेटें निरंतर जो है अंदर गति करते रहते हैं और एक दूसरे में रगड़ खाते हैं। जब ये रगड़ खाती हैं तो कंपन पैदा होता है, और यही कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, भूकंप के अन्य कारण क्या हैं? तो अन्य कारणों में कुछ कारण तो प्राकृतिक कारण हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे कुछ प्राकृतिक कारणों को बताया गया है, लेकिन कुछ मानव जनित कारण भी हैं। जैसे
आप कहेंगे मानव जनित कारण में परमाणु बम परीक्षण व विस्फोट, कहीं पे परमाणु बम परीक्षण हो रहा है या कहीं पे परमाणु बम विस्फोट हो गया, तो पूरी जैसे पटाखा फोड़ते हैं तो पटाखा फोड़ने में ही धरती क्या हो जाती है, कांप जाती है, हिल जाती है, तो वैसे परमाणु बम का परीक्षण होता है या परमाणु बम विस्फोट होता है तब भी पूरी की पूरी धरती क्या हो जाती है, हिल जाती है, अर्थात परमाणु बम के विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं। खनन हेतु चट्टानों को तोड़ने के लिए, देखिए खनन हेतु जैसे हम कहीं पे जो रोड बनता है, सड़क बनता है, जो कीचड़ आता है या जो गिट्टी आती है या कोई रोड ही बन रहा है बीच में चट्टान आ गया, तो जब हम उसे तोड़ते हैं बम के द्वारा, चाहे अल्ट्रासोनिक बम का यूज करें या किसी बम का यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है पूरी धरती हिल जाती है, तो उसके कारण भी भूकंप आ जाता है। इसके अलावा हमने आपको बता ही दिया कि प्लेटों के रूपांतरण गति के कारण भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी जो है भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी फटता है पूरी जो है ज़मीन कांप जाती है। इसके अलावा भू संतुलन के असमायोजन के कारण भी जो है जैसे भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि उल्कापिंड के गिरने से या उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने से या कुछ जलीय भार के कारण भी जो है जैसे ज्वार भाटा उठा आ गया, तो उसके कारण भी कभी कभी भूकंप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, या आप कहते हैं मूल केंद्र, या उसी को हम लोग फोकस नाम से जानते हैं। तो जहाँ से भूकंप जो है की शुरुआत होती है उसे हम मूल केंद्र, मूल बिंदु या फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं, जहाँ से क्या होती है भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ पे प्लेट टकराते हैं और वहीं से भूकंप की क्या होती है उत्पत्ति होती है। उसके बाद जब तुरंत जो है ज़मीन पे, धरती पे जब सबसे पहले जहाँ पे वह पहुँचता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, उसी अधिकेंद्र को हम ईपी सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं एपी सेंटर कहते हैं। तो आप एपी सेंटर कहिए चाहे अधिकेंद्र कहिए, दोनों बात एक है। जैसे जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पे धरती पे सबसे पहले जहाँ पे पृथ्वी पर पहुँचता है भूकंप जल्दी से, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे पहले तरंग पहुँचती है जहाँ भूकंप पहली बार महसूस होता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है तो ऐसे ही यह सारा इधर 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 यहाँ तक कि इधर इधर भी पूरे भूमि के अंदर वाले भाग को भी क्या करता है, हिला देता है। लेकिन जहाँ पे ज़मीन पे धरती पे सबसे पहले पहुँचता है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपसे पूछता है कि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे भूकंप की उत्पत्ति मूल केंद्र से होती है, उद्गम केंद्र से होती है या फोकस से होती है। और आप कहेंगे कि भूकंप पहली बार कहाँ महसूस होता है, तो भूकंप सबसे पहली बार महसूस होता है अधिकेंद्र में, अर्थात भूकंप की तरंग सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है, सबसे पहले पहुँचती है अधिकेंद्र में। और देखिए एक ही ऐसी तरंग है जो इस केंद्र से सीधा यहाँ पर आ सकती है, जिसका नाम है पी तरंग। क्या नाम है, पी तरंग। यही जो है सीधे पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली तरंग जो होती है उसे पी तरंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब इसी को देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं या उसी को हम जो है मूल केंद्र कहते हैं, और भूकंप सबसे पहले, देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा तो इसी को हम एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी सेंटर या अधिकेंद्र। अब यहाँ पे पहुँचा फिर धीरे धीरे इसका पूरा क्षेत्र जो है बढ़ता चला जाएगा और पृथ्वी हिलती चली जाएगी, और जैसे जैसे पृथ्वी हिलेगी, किसी भी चीज़ को आप बहुत तेज़ी से हिलाएंगे अगर, तो वैसे पृथ्वी यहाँ से फटना शुरू हो जाती है। बहुत देर तक अगर भूकंप रहा, अर्थक्विक रहा, तो घर और गिरने का भी जो है बहुत संभावना रहता है और पृथ्वी के फटने की भी संभावना रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के कुल तीन प्रकार होते हैं। भूकंपीय तरंगों के कुल कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। भूकंपीय तरंगों में सबसे पहली तरंग को हम प्राथमिक तरंग कहते हैं, जिसे हम पी वेव कहते हैं। दूसरी तरंग को हम द्वितीयक तरंग कहते हैं, जिसे हम यस वेव कहते हैं। पी मतलब हो गया प्राइमरी वेव्स, और यस मतलब हो गया सेकेंडरी वेव्स, और तृतीयक
तरंग को हम यल वेव कहते हैं, और यल वेव का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे हम धरातलीय तरंग भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तीन प्रकार के तरंग होते हैं, और यह देखिए जो प्राथमिक तरंग होती है इसकी स्पीड जो होती है वो सबसे अधिक होती है, 8 से लेकर 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्राथमिक तरंगें आती हैं। द्वितीयक तरंग 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से द्वितीयक तरंग आती है, और 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से तृतीयक तरंग आती है, जिसे हम यल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे धीमी जो तरंग आ रही है वही सबसे अधिक विनाशकारी तरंग है, सबसे अधिक खतरनाक तरंग है। क्यों? क्योंकि यह तो रहती है कम समय के लिए, लेकिन इसका जो धरातलीय तरंग होता है, जो इसकी ऊंचाई होती है लॉन्गिट्यूडनल, इसे इसीलिए कहा गया है कि यह देखिए यहाँ पे बहुत ऊपर से नीचे तक जो है आती है, जबकि प्राइमरी वेव से देखिए है 8 किलोमीटर पर सेकंड भले है, लेकिन खट से आया और खट से क्या हुआ, चला गया, यानी इसके पहुँचने का समय बहुत ही क्या होता है, कम होता है। देखिए इतने समय ही यह रहा, उसके बाद जो यस वेव है वह देखिए ये तो और कम समय तक रहा, ये 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड है, यह बहुत कम समय के लिए रहता है, जबकि आप देखेंगे तो जो जितना धीरे रहता है वो आराम से जाएगा, वह तरंग क्या जाएगा, आराम से जाएगा, विनाश करते हुए चीज़ को एकदम आराम से हिलाएगा। अभी आप देखिए तो आराम से हिलाते हुए जाएगा, तो इसका आयाम देखिए, इसका आयाम बहुत जो है ज़्यादा भी है, और बहुत ज़्यादा समय तक यह धरातल पे रुक भी रहा है। ये तो आया तुरंत चला गया, ये तो एकदम धीरे से आया चला गया, लेकिन इसका समय जो है धरातल पे ज़्यादा समय है, या बहुत समय के लिए जो है पृथ्वी को हिलाता रहता है, और पृथ्वी पर बहुत ही विनाश यह पैदा करता है, जबकि विनाश सभी पैदा करते हैं, लेकिन ये दोनों कम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है, ये तो देखिए कभी भी पृथ्वी पर सबसे पहले जो है पी तरंग ही आता है, पृथ्वी के केंद्र से जो गुजरने वाली तरंग होती है उसे हम पी वेव तरंग कहते हैं। हमने आपको बता दिया कि पृथ्वी के केंद्र से केवल एक तरंग गुजर सकती है, जिसे हम पी तरंग कहते हैं, और यह पी तरंग देखिए इसकी गति जो होती है देखिए इस तरीके से होती है, इस तरीके से थोड़ा सा पृथ्वी को क्या करता है, हिलाता है, लेकिन इस तरीके से आया और इस तरीके से क्या हो गया, चला गया, इसलिए यह सबसे कम खतरनाक होता है। यह ऊपर नीचे टाइप का आयाम इसके बहुत कम होते हैं, ऊपर नीचे टाइप से यह बिल्कुल भी नहीं हिलाता है पृथ्वी को, लेकिन जो आपका यस वेव होता है यह देखिए थोड़ी सी खतरनाक होती है, यह ऊपर और नीचे करके क्या कर रहा है, हिला रहा है, लेकिन थोड़ा सा 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे पृथ्वी को किया और चला गया, खतरनाक तो होती है, जान माल का हाल होगा, हानि होगा, लेकिन थोड़ा सा कम। लेकिन जो यस तरंग है, जो आपका यल तरंग है, तो यल तरंग जो ये विनाशकारी तरंग है धरातली, देखिए यही चीज़ जो है यह इस तरीके से हिलाएगी, धीरे धीरे ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हिलाएगी, और सारे के सारे चीज़ें घर बार जो भी रहेगा सब गिरता पड़ता चला जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, तो देखिए जापान के एक तरफ जो है आप जानते हैं कि एशियन प्लेट है, क्या है, एशियन प्लेट है, और दूसरे तरफ जो है प्रशांत महासागर का प्लेट है। अब देखिए दोनों टाइप, दोनों तरफ क्या है, प्लेट ही प्लेट हैं, और जब ये प्लेट ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं तो रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाने के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या किसी ना किसी चीज़ के कारण, या पृथ्वी में जाके लड़ने के कारण जो है भूकंप हमेशा क्या होता रहता है, आता रहता है। तो भूकंप आने से बहुत जान माल का नुकसान होता है, घर हो गया, इमारत हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, इसके अलावा जो है बाढ़ की समस्या भी बढ़ जाती है, कभी कभी भूस्खलन हो जाता है, सुनामी आ जाती है, इस तरीके से भूकंप के कारण जो है बहुत बड़े बड़े समस्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भूकंप यंत्र से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो इस यंत्र में 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे जाते हैं, जो भूकंप के यंत्र होते हैं उसमें 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे होते हैं, और इसे हम रिएक्टर स्केल से, या इसी को हम मर्केली स्केल कहते हैं, इसे रिएक्टर स्केल या मर्केली स्केल से हम इस भूकंप की तीव्रता को क्या करते हैं, मापते हैं। तो आपसे पूछेगा भूकंप तरंग के तीव्रता को मापा जाता है, तो आप बताएंगे रिएक्टर स्केल या मर्केली स्केल से, और इस स्केल पर लिखा होता है 0 से 9 तक गिनती। अगर यहाँ पे 2 से लेकर या उससे 2 से कम आया, मतलब 2 से कम से 2 तक अगर आया, तो समझ लीजिए कि उस भूकंप का पृथ्वी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगी,
अगर यही जो है स्केल पे 5 से 6 तक आया तो समझ लीजिए कि चीज़ें हिलती हैं और गिरती हैं। जैसे आप कमरे में रहेंगे और आप भदेली रखे रहेंगे तो आपका भदेली और कढ़ाई उढ़ाई जो होगा हिलेगा, और चीज़ें अगर अलमारी उलमारी में हैं तो गिर जाएंगी। अगर 6 से 7 के बीच में है तो बहुत नुकसान होता है, बहुत मैक्सिमम नुकसान होता है। सबसे जो है समझ लीजिए कि एक एवरेज देखिए तो 6 से 7 वाला बहुत नुकसानदायक होता है, और 7 हो या 7 से ऊपर हो तो समझ लीजिए कि अत्यधिक विनाशकारी भूकंप आ गया है। और अगर हम बात करें कि भूकंप का अध्ययन हम किस विज्ञान की शाखा में करते हैं तो सिस्मोलॉजी में करते हैं, और जो सिस्मोग्राफ होता है उस पर हम इस ग्राफ पे जो है अंकन करते हैं, निरूपण करते हैं। यानी कुल मिला जुला के जो सिस्मोग्राफ पे जो है जैसे तीव्रता जो आई उस पर मापन करते हैं, रेखीय रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफ पे ऐसे रेखीय रिकॉर्ड करते हैं कि कितने तीव्रता की आई कितने तीव्रता की नहीं आई, अर्थात सिस्मोग्राफ पे भूकंपी तरंगों का निरूपण या अंकन करते हैं कि पी है कि यस है कि यल है, कौन सी तरंग है, हल्का भूकंप है कि तीव्र भूकंप है, लेकिन उसको ग्राफ पे रेखीय रिकॉर्ड उसका रखते हैं। कुल मिला जुला का आप कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंग का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से आपका भूकंप चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। थैंक यू दोस्तों।